को, लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जो उनका राज था उसमें तो कोई शासन ही नहीं था। आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वो राज लालू जी चलाते थे, उनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के एक्सपोज़ पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने करारा जवाब देते हुए उनके शासन की आलोचना की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी अपनी बात रखते हैं। लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जब उनका राज था तब कोई शासन नहीं था, आईएएस अफसर की पत्नी तक सुरक्षित नहीं थी, लालू जी वो राज चलाते थे, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात सब रखते हैं। उनको लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जो उनका राज था उसमें तो कोई शासन ही नहीं था। आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वो राज लालू जी चलाते थे, उनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। वहीं सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने मन की बात के माध्यम से लगातार 10 वर्षों से दुनिया को भारत से जोड़ा है, मेक इन इंडिया और लोकल को वोकल बनाने का सपना पूरा किया और भारत की विरासत को दुनिया से जोड़ा। इन सभी उपलब्धियों के लिए हम प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 10 वर्षों से मन की बात के माध्यम से दुनिया को कैसे भारत से जोड़ा, मेकिंग इंडिया का सपना कैसे पूरा किया, लोकल फॉर वोकल को कैसे आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, भारत के विरासत को कैसे दुनिया से जोड़ने का काम किया, ये सारे चीज़ों के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। इधर बिहार में भयंकर बाढ़ के हालात पर सम्राट चौधरी ने कहा सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ सभी तटबंधों की निगरानी कर रही है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार समीक्षा हो रही है और रात भर पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव पर सम्राट चौधरी ने निशाना साधा कि सवेरे की सूचना है, थोड़ा राहत है कि नेपाल से आने वाला पानी घट रहा है, ये हमारे लिए, लेकिन पूरी तरह सरकार मुस्तैदी के साथ सारे तटबंध को देख रही है, लगातार मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर समीक्षा भी हो रही है और रात भर लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सभी बांध पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और आम लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है माइकिंग के माध्यम से कि आप बांध के अंदर चले आए, बांध पर खतरा ना हो, इसकी पूरी समुचित व्यवस्था सरकार के लेवल पर की जा रही है। स्थिति में भी नेता प्रतिपक्ष विदेश में है, क्या कहेंगे? अब ये लोग विदेश ही घूमने वाले हैं, कोई देश में रहने वाले नहीं। बहरहाल नेपाल में हो रही लगातार भारी बारिश का असर अब बिहार में देखने को मिल रहा है। गंडक और कोसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से कई जिलों में बाढ़ आ गई है, तो वहीं बाढ़ की स्थिति पर सियासत भी जमकर हो रही है। पंजाब के सीटीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।